हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग फिर से एक नए जगह पे रेस्क्यू करने के लिए आ गए हैं। दोस्तों जैसा कि बता दें, हम लोग वाराणसी जिले के चूलापुर के एक छोटे से गांव में आए हैं और यहां पे गांव वालों ने बताया है कि एक बहुत बड़ा अजगर देखे हैं। तो हम लोग देर न करते हुए सूचना पाते ही पहुँच गए और रतन जी जैसा कि देख सकते हैं दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों नज़रें बना रही है, देखते हैं कि अजगर कहाँ पर है और कितना बड़ा है, उसके बाद आपको दोस्तों बताते रहें। तो वीडियो पर नज़रें बना रही है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं गाँव वाले कुछ लोग वहाँ पर तो हैं और रतन जी पीछे पीछे अपना दौड़ रहे हैं और मैं भी कैमरा से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे में वीडियो पे नज़रें बना रही है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यह एक अजगर है और काफ़ी बड़ा है दोस्तों। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहीं पर देखे हैं और रतन जी का मानना है कि दोस्तों यह शायद कुछ खाया हुआ है और यह लगभग 8 से 10 फुट का लग रहा है दोस्तों। तो इसको दोस्तों पैथन भी कहते हैं। और दोस्तों इसके बारे में मैं बता दूं दोस्तों, यह जहरीला नहीं होता है लेकिन इसके अंदर दम बहुत है दोस्तों, क्योंकि यह अपने शरीर से एकदम एक तरह से एकदम दबा देता है और दबाने के बाद तब तक दबाया रहता है जब तक लोग मतलब उस जीव की जान नहीं चली जाती है और फिर उसको धीरे धीरे यह अपना निवाला बना लेता है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं रतन जी दिखा रहे हैं कितना बड़ा है दोस्तों। आप देख सकते हैं लगभग 8 से 10 फीट का है और इसका वज़न जब भी होगा दोस्तों, हमको जहाँ तक कि लग रहा है 60 किलो से ज़्यादा का ही होगा। और देख सकते हैं दोस्तों गांव वाले जब से इसको देखे थे, हम लोगों को कॉल की तो हम लोग देर न करते हुए दोस्तों पहुँचे हैं रेस्क्यू करने के लिए। और दोस्तों देख सकते हैं यह आक्रामक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा कि रतन जी हमको पहले ही बताएं कि यह शायद कुछ खाया हुआ है जिसके वजह से वह आक्रामक नहीं है, नहीं तो दोस्तों इतने में ये वार भी करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं रतन जी इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये कितना वज़न होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सब देखकर आप कभी कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये अजगर जो होते हैं अपने शरीर के दम से ही यह दबाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में आप बिना जानकारी के और बिना किसी अनुभव के ऐसा गलती करेंगे तो आपकी जान जा सकती है। तो ऐसा गलती वीडियो देखकर आप कोशिश बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। तो रतन जी दोस्तों कोशिश करेंगे कि इसको अब कैसे भी किसी सेफ जगह पे बोरे में डालकर इसको छोड़ दे, ताकि गांव वालों का जो भय है वो खत्म हो जाए। देख सकते हैं दोस्तों इसको रख रहे हैं रतन जी, ये काफी भारी है दोस्तों, काफी वजन है इसका। खाली कुछ खाइले बता चुप भीड़ से। दोस्तों आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों का वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम लोग वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि कौन सा सांप कितना जहरीला है और कितना खतरनाक है और काटने पे क्या करें क्या ना करें। ऐसे में वीडियो देख कर हम लोगों का ये रहता है कि आपको जानकारी हो सके। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।